असेसमेंट ईयर 22-23 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है वो 31 जुलाई है, यानी कि हमारा 31/3/2022 क्लोज हो चुका है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 फिनिश हो चुका है। अब इसके इंडिविजुअल्स और इनके रिटर्न्स की जो डेट है ये 31 जुलाई 2022 है, और इसके रिटर्न इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर ऑफलाइन यूटिलिटी के माध्यम से और ऑनलाइन यूटिलिटी के माध्यम से अवेलेबल हो चुके हैं, जो आप फाइल कर सकते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दिया था। तो हमारे अभी इनकम टैक्स की एक सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर रिटर्न अवेलेबल हो चुके हैं। आज हम ये बता रहे हैं कि आपको कौन से रिटर्न फाइल करना है, यानी कि आपकी इनकम के हिसाब से कौन सा रिटर्न फाइल करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा कि आप ITR 1 के अंदर सैलरी का कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज जनरल डिडक्शन आप कैसे लेंगे, ये हम अगले वीडियो के अंदर कवर करने वाला। तो इनकम टैक्स की एक सीरीज चल रही है, अगर आप इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, ITR फाइल करना चाहते हैं, ITR फाइल करना सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आपको सीरीज वाइज आपको ये वीडियोस मिलने वाला है। तो यहां पर हम देखते हैं कि सर ऑफलाइन यूटिलिटी और ऑनलाइन यूटिलिटी अवेलेबल हो चुकी है, आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप कौन कौन सा रिटर्न इनकम के हिसाब से फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इनकम्स के हेड है, यानी कि इस इनकम टैक्स के अंदर अपनी इनकम्स को हेड वाइज डिवाइड किया हुआ 5 हेड्स है। सबसे पहला जो हेड्स है ये हम देखते हैं सर, इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड जो हेड है वो है सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एंड नंबर थर्ड है बिजनेस एंड प्रोफेशन। नंबर फोर्थ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। एंड नंबर फाइव इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 हेड्स है, इन 5 हेड्स के हिसाब से आपको अपने ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है, यानी कि सैलरी के लिए क्या होगा, हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्या होगा, बिजनेस प्रोफेशन के लिए क्या होगा, ये हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है सर SSC। SSC का मतलब ये होता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कौन करता है। तो SSC में सबसे पहला होता है सर इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स, HUF, कंपनी, LLP, DOI, पार्टनरशिप फर्म। ये क्या है सर, SSC है, यानी कि ये रिटर्न फाइल करेंगे। जैसे कि इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल्स की कोई भी इनकम होती है तो जिनका सेपरेट पेन होता है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो उनके लिए कौन कौन सा फॉर्म अवेलेबल है इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर और आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना है, ये हम अब यहाँ पे कवर करते हैं। तो आपको जाना है जैसे incometax.gov.in की साइट पे, ये इनकम टैक्स का पोर्टल है। यहाँ पर हम देखेंगे सर इंडिविजुअल एंड HUF के लिए, यहाँ पर हम जाएंगे सर सैलरीड एम्प्लॉयर्स के लिए, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है रिटर्न्स फॉर्म एप्लीकेबल टू मे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारे रिटर्न्स आपके पास में आ चुका है। सबसे पहले हम यहाँ कवर करते हैं सर ITR 1, इसकी बात करते हैं सर ITR 1 एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स। These details applicable for resident other than ordinary resident individual having total income any following source up to rupees 50 lakh. यानी कि ITR 1 सच उसकी भी एप्लीकेबल है जिसकी इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस एंड एग्रीकल्चरल इनकम अप टू रुपीज 5000, यानी कि 3 हेड से अगर आपकी इनकम हो रही है, सैलरी से हो रही है, एक हाउस प्रॉपर्टी है वहां से अगर आपको कोई इनकम हो रही है, और अदर सोर्सेस और एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 रुपीज तक है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों हेड्स की टोटल इनकम आपकी 50 लाख रुपीज होनी चाहिए। अगर 50 लाख रुपीज से ऊपर है तो फिर आपको दूसरा ITR फाइल करना होगा। तो ITR 1 के लिए आपके पास में ये 3 इनकम के सोर्सेस है। अब ये कौन फाइल नहीं कर सकता है, तो सबसे पहले याद रखना है डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। अगर किसी कंपनी का कोई डायरेक्टर है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर आप किसी ने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर परचेस किए हुए हैं, हेल्ड किए हुए हैं, एनी एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया के अलावा कोई एसेट्स है, सिंगिंग अथॉरिटी एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इनकम फ्रॉम एनी सोर्सेज आउटसाइड इंडिया, यानी कि अगर आउटसाइड इंडिया के तरफ से आपकी इनकम हो रही है तो आप ITR 1 फाइलिंग कर सकते हैं। सिंपल सी चीज है कि इंडिया के अंदर अगर आपकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेस, इन तीनों सोर्सेस की अगर आपकी इनकम हो रही है अप टू रुपीज 50 लाख और एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपीज, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। दूसरा रिटर्न आता है सर ITR 2।
आईटीआर टू कौन फाइल कर सकता है जो आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकता है, और जिनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है, जिनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है, तो आईटीआर वन कौन फाइल करता है, जिसकी इनकम 50 लाख रुपीज तक है, और आईटीआर टू वो फाइल करेगा जिसकी इनकम 50 लाख रुपीज से ज्यादा है और उनकी कैपिटल गेन या अदर सोर्सेस से भी इनकम हो रही है, वो आईटीआर टू फाइल करेगा। नंबर थ्री, आईटीआर थ्री जो होता है ये इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए होता है। आईटीआर थ्री इनकम की यानी कि बिजनेस एंड प्रोफेशन के रिटर्न के लिए होता है। अगर आपकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो रही है, अगर आपका कोई बिजनेस है और आप सेक्शन 44AD अप्लाई नहीं कर रहे हो, टैक्स ऑडिट करा रहे हो, तो आप आईटीआर थ्री फाइल कर सकते हो। तो आईटीआर थ्री बहुत ही डिटेल्स का रिटर्न होता है। वो इज नॉट एलिजिबल फॉर आईटीआर वन, आईटीआर टू एंड आईटीआर फोर। जो आईटीआर वन, आईटीआर टू और आईटीआर फोर नहीं फाइल करता है, वो आईटीआर थ्री फाइल करेगा। आईटीआर थ्री बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम के लिए होती है। एंड नंबर फोर्थ है सर, आईटीआर फोर सुगम एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ एंड फर्म अदर देन एलएलपी यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए। अब आईटीआर फोर जो होता है वो आईटीआर वन, आईटीआर टू और आईटीआर जिसको जो आईटीआर वन फाइल कर सकता है, जो आईटीआर टू फाइल करता है, वो भी आईटीआर फोर फाइल कर सकता है। आईटीआर फोर के अंदर सभी इनकम्स आती है, सैलरी भी आती है, हाउस प्रॉपर्टी भी आती है, कैपिटल गेन भी आती है, अदर सोर्सेज भी आती है और बिजनेस भी आती है। तो ये आईटीआर फोर आप फाइल कर सकते हैं अगर आपकी बिजनेस से इनकम हो रही है तो। अगर आपकी इनकम बिजनेस से हो रही हो यानी कि आप प्रेजेंट टाइम टैक्सेशन स्कीम अप्लाई कर रहे हो जिसमें आप डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप पूरी तरह से अकाउंट्स की डिटेल मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो आप सेक्शन 44AD अप्लाई कर सकते हो। सेक्शन 44AD के अंदर आप किस तरह से रिटर्न फाइल करोगे आईटीआर 4, ये हमें आने वाले वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो आईटीआर 4 किसके लिए है सर, जिसका बिजनेस इनकम है और वो सेक्शन 44AD अप्लाई कर रहा हुआ, या लिखा हुआ सेक्शन 44AD, ADA और ADA 44AE, ये अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये सेक्शन सॉरी आईटीआर 4 फाइल करेंगे। तो आईटीआर 1 सैलरी के लिए है, आईटीआर 2 एचयूएफ के लिए है जिसकी इनकम 50 लाख रुपीज से ज्यादा है, आईटीआर 3 बिजनेस और प्रोफेशंस के लिए है जिन जो सेक्शन 44AD अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और आईटीआर 4 प्रेजेंट टैक्सेशन स्कीम के लिए सुगम, ये आप बिजनेस इनकम के लिए होगा, सैलरी भी हो, आपके हाउस प्रॉपर्टी से भी हो, सभी इनकम्स के यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते है उसमें आपका एक बिजनेस इनकम भी होनी चाहिए। किसके लिए होनी चाहिए सर, बिजनेस इनकम भी होनी चाहिए। तो बिजनेस इनकम अगर आपकी यहाँ पे हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं सर, अगर ये तो हो गया इंडिविजुअल एचयूएफ के रिटर्न्स, अब बात करते हैं कंपनी कंपनी में डोमेस्टिक कंपनी की अगर हम बात करते हैं यानी कि इंडियन कंपनी की, तो उनके लिए जो रिटर्न है वो रिटर्न है सर आईटीआर 6। आईटीआर 6 जो होता है वो कंपनी के लिए होता है। आईटीआर 6 किसके लिए होता है सर, कंपनी के लिए होता है, और कंपनीज एप्लीकेबल फॉर कंपनीज अदर देन दोस क्लेमिंग एग्जेम्प्शन अंडर सेक्शन 11, यानी कि अगर सेक्शन अप्लाई एग्जेम्प्शन के अप्लाई नहीं कर रहा है, क्लेम नहीं कर रहा है, तो आईटीआर 6 यानी कि नॉर्मली किसी भी कंपनी के लिए आईटीआर 6 रिटर्न एप्लीकेबल है। कंपनी का मतलब चाहे वो लिस्टेड हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, आईटीआर 6 है। आईटीआर 7 पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज जो आर रिक्वायर्ड टू फिनिश रिटर्न सेक्शन 194, सेक्शन 94, सेक्शन 139(4)(d) किसके लिए सर, ये इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होली इन पार्शियली टेस्टेबल रिलीजियस पर्पस, यानी कि ये किसके लिए है, ट्रस्ट के लिए है, कोई भी ट्रस्ट एओपी बीओआई के लिए, ये रिटर्न यहाँ पे आईटीआर 7 एप्लीकेबल होता है। ओके, अब हम बात करते हैं नॉन कंपनी के लिए, एओपी बीओआई के लिए कौन सा रिटर्न है यहाँ पे। एओपी बीओआई के लिए रिटर्न से यहाँ पर आपका एप्लीकेबल है सर आईटीआर 5। तो पार्टनरशिप फॉर्म है उसके लिए आईटीआर 5 है। लिमिटेड पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, इन सब के लिए आईटीआर 5 एप्लीकेबल है। तो हमने यहां देख लिया कि आईटीआर 5 किसके लिए है, आईटीआर 1 जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं। आईटीआर 1 जो है ये सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए है जिनकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है, जो अदर सोर्सेस से हो रही है। ओके, आईटीआर 2 जो है ये उसके लिए जो आईटीआर 1 फाइल नहीं करता, जिसकी इनकम 50 लाख रुपीज से ज्यादा हो रही है और जिनकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपीज से ज्यादा है, वो आईटीआर 2 फाइल करेंगे। आईटीआर 3 बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए है जो सेक्शन 44AD अप्लाई नहीं कर रहे, यानी कि आईटीआर 4 फाइल नहीं कर रहे हैं। आईटीआर 4 जो सेक्शन 44AD अप्लाई कर रहे हैं यानी कि फिक्स परसेंटेज के ऊपर टैक्स पे करना चाहते हैं, उनके लिए आईटीआर 4 है। आईटीआर 5 ये हमने कर लिया, एओपी बीओआई के लिए है, ट्रस्ट फाइनेंस पार्टनरशिप फर्म के लिए है। आईटीआर
सिक्स आईटीआर सिक्स हमने ये देख लिया कंपनीज के लिए, और आईटीआर सेवन को भी हमने डिटेल्स से कवर कर लिया है। तो ये रिटर्न्स आपको आपकी इनकम के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको फाइल करना है। तो अगर आपने रॉन्ग रिटर्न सेलेक्ट कर लिया तो आपका रिफंड भी रुक सकता है, आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी आ सकता है। तो आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिएगा, अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट या दूसरे जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सके। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।